कानपुर पुलिस की जांच में ये बात साबित हो चुकी है कि इफ्तखारुद्दीन के जो वीडियो वायरल हुए थे वो मंडलायुक्त आवास के थे, और इस वक्त मैं मंडलायुक्त आवास यानी कमिश्नर की कोठी के बाहर खड़ा हूँ। ये उनका शिविर कार्यालय है, यहाँ पर भी जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है, और मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन जब कानपुर के कमिश्नर के रूप में तैनात थे तो इसी कोठी का इस्तेमाल उन्होंने किया था धर्म के प्रचार के लिए, विवादित भाषण और टिप्पणी करने के लिए। और जब से इनके ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके बाद से लोगों में आक्रोश है और मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए इफ्तखारुद्दीन के ऊपर। हालांकि शासन ने एसआईटी जांच के ऑर्डर दिए हैं, और एसआईटी की टीम के आज शाम को कानपुर पहुंचने की पूरी उम्मीद भी है, जांच शुरू भी होने वाली है। लेकिन लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा, और इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता भूपेश अवस्थी हैं उन्होंने गंगाजल लिया था, और उनका मानना है कि गंगाजल से वो इस कोठी को शुद्ध करेंगे, लेकिन पुलिस के बंदोबस्त कर दिए गए। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी फोर्स तैनात किया गया, और जो भी लोग यहाँ पर आने वाले थे, चाहे वो प्रदर्शन करने आ रहे हों या शुद्धिकरण के लिए, उनको रोक दिया गया है और यहाँ से हटा दिया गया। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पांडे जी, कुछ लोग आए थे जिनको शुद्धिकरण करना था यहाँ पर, क्या मना कर दिया गया? नहीं, वो ज्ञापन दे के अपना चले गए हैं। अच्छा। अपने कार्यक्रम के लिए उन्होंने कहा हम अपना कार्यक्रम कहीं और करेंगे, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। फिलहाल रोक है इस तरह का कोई कार्यक्रम धरना प्रदर्शन। जी जी जी। त्रिपुरारी पांडे जी हैं, एसीपी हैं कर्नलगंज के, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लोग आए थे उनको रोक दिया गया, यहाँ किसी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति ना तो यहाँ प्रदर्शन करेगा ना गंगा जल का छिड़काव करेगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ कानपुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।